हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, बात करेंगे सिटी स्कैन रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाए, कैसे हम समझ सकते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या हुआ है ब्रेन के अंदर। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिटी स्कैन रिपोर्ट की, तो देखो सिटी स्कैन रिपोर्ट रीड करना आसान नहीं, ठीक है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए अलग से ही एक रेडियोलॉजिस्ट होता है। रेडियोलॉजिस्ट होता है जो सिटी स्कैन करता है और देखता है इमेजेस में कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, वो लिख कर देता है रिपोर्ट में, इंग्लिश में लिख कर देता है, ताकि MBBS डॉक्टर भी उसको पढ़कर पता कर ले कि भाई क्या प्रॉब्लम है। बट जो इमेजेस साथ में दिए जाते हैं, उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि रेफरेंस है, ये एक प्रूफ है कि ये यहाँ से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो इमेजेस को देखकर तो हर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल में जो फ़ोटोज़ आते हैं उनसे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। बाकी नॉर्मल जो रिपोर्ट में इंग्लिश में लिखे रहते हैं, सेंटेंसेस लाइन्स जो लिखी रहती, उनमें तो आपको पढ़ के क्लियर कट पता चल ही जाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। हालांकि वो जो लिखा रहता है, उसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो रिपोर्ट में लिखकर रेडियोलॉजिस्ट देता है उसका क्या क्या मतलब होता है। आज हम सिर्फ इतना बताएंगे कि जो इमेजेस होती हैं, जो काले काले फोटोज आती हैं, उनमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो याद रखो, कोई भी व्यक्ति इसको पूरा नहीं समझ सकता, रेडियोलॉजिस्ट होता है वही इसको समझता है, क्योंकि वो रात दिन ये काम कर रहा होता है और उसको एक पता होता है कि स्टैंडर्ड ब्रेन का सीटी स्कैन कैसा होना चाहिए और एबनॉर्मल में क्या वेरिएशंस आ जाते हैं, तो वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको सिटी स्कैन किया जाता है तो दो कंडीशन होती है, या तो कॉन्ट्रास्ट डालेंगे या तो नहीं डालेंगे। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, केमिकल होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है नस के अंदर, ठीक है, सिटी स्कैन करने से पहले, ताकि जो भी जिस एरिया के आप सिटी स्कैन करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा और इमेज में दिखेगा। तो दो तरह से सिटी स्कैन की जाती है, या तो डाई को डालेंगे या तो नहीं डालेंगे, डाई बोल सकते हैं नॉर्मली, तो वो भी लिख कर देते हैं कि ये जो सिटी स्कैन हुई है विदाउट डाई हुई है या विदाउट कॉन्ट्रास्ट हुआ है, जो व्हाटएवर, तो वो चीज़ लिख कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की जब सिटी स्कैन ब्रेन की जाती है तो कुछ इस तरह का इमेज सामने आता है। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, मैं आपको बहुत ही बोलना चाहिए खुल के आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ एक आइडिया आपको लग जाएगा। होता क्या है, आप फोटो देखिए, आपको तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ऑफकोर्स वाइट कलर जो है हमारी हड्डियों को दर्शाता है, हड्डी जो होती है ब्रेन, हड्डी के अंदर बंद है, स्कल बोन के अंदर बंद है, तो जो स्कल बोन है उसका शेप और साइज यहाँ से आप वाइट को देख के पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रे कलर। ग्रे कलर सिर्फ ये है कि भाई जो हमारा ब्रेन है जिस थैली के अंदर बंद है उसे बोलते हैं क्या, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को ग्रे कलर से शो किया जाता है, तो ये एक प्रकार का ब्रेन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे ब्लैक कलर है जो कि बीच में देखेगा आपको, इसे बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल्स, जो कि थोड़े डार्क कलर में होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं जिनके अंदर से ब्लड प्रेशर बना होता है, ब्लड आना जाने का काम होता है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, इन्हीं में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी को देखा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी होती है वो भी समझ लेते हैं। देखो, EDH होता है, SDH होता है, कॉन्टेजन होता है, मिडलाइन होती है, मिड शिफ्ट होता है, बहुत सारे होते हैं, इनको अपन डिटेल में समझेंगे अभी। तो लिख के तो वो बहुत कुछ दे देगा आपको कि ये चीज़ें जो है डिफरेंट हैं। सेरिब्लम दे देगा, सेरिब्रल के इंट्राक्रेनियल हेमरेज दे देगा, एक्स्ट्रा क्रेनियल हेमरेज, इन सबको समझेंगे अपन, होता क्या है ये। तो देखो, सबसे पहले आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखो, वो ब्रेन होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है क्या, पैरेन्काइमा, फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे बोलते हैं क्या, मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या होता है, ब्रेन को सुरक्षित करके रखते हैं, इनके अंदर क्या होता है, CSF भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि ब्रेन को इंजर्ड नहीं होने देता, डैमेज से बचाता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब होता क्या है कि अगर उसमें लिखा है कि भाई एक्स्ट्रा क्रेनियल, तो जो मेनिंजीज की लेयर है तो उसके बाहर की बात कर रहा है कि उसके बाहर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। इंट्राक्रेनियल लिखा है मतलब कि मेनिंजीज के अंदर, मतलब कि ब्रेन पे, क्योंकि हड्डी जो स्कल बोन है, स्कल बोन और ब्रेन के बीच में मेनिंजीज हैं। मेनिंजीज क्या होती है, ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, पायामेटर, ड्यूरोमेटर, सबअरेकनोइड, ये सब यही सब कुछ होते हैं।
तो ये सब जो है इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा पैरेन्काइमा में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो दिखी जाएगी। एक टर्म होता है कंटेजन, लिखा हो मिलेगा आपको, वो कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे देखो, ग्रे मैटर के अंदर बीच बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर के डार्क डार्क होल टाइप के देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्लैक कलर जो है वेंट्रिकल्स को शो करता है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक कलर अगर कहीं कहीं पे बिखरा बिखरा देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कॉन्टेजन। अब कॉन्टेजन का मतलब क्या होता है, ये दर्शाता है कि भाई ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये अगर छोटे छोटे हैं तो वो अपन उसको वेंट्रिकल नहीं बोल सकते, उसे बोलेंगे कॉन्टेजन। दूसरा यहाँ पे आता है एपिड्यूरल हेमोटोमा। एपिड्यूरल क्या होता है कि जो हमारी मेनिंजीज है और ब्रेन के बीच में, कई बार क्या होता है ब्लड वेसल्स में से हेमरेज होता है, ब्लीडिंग हो जाती है स्टार्ट, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियों के चलते हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज। तो जो ब्रेन हेमरेज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड इकट्ठा होगा तो वो सीटी स्कैन में व्हाइट कलर का शो करेगा, व्हाइट कलर का शो करेगा, ऐसा लगा कि स्कल बोन यूं हो रही है। आप यहाँ पर फोटो में देखिए, स्कल बोन के पास आपको ब्लड इकट्ठा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता, डेंजर होता है, क्योंकि ये इकट्ठा होता रहता है और हमारे ब्रेन को नुकसान पहुँचाता। तो ये भी याद रखो, EDH हमेशा डेंजर होता है। एक उसके बाद आता है दोस्तों SDH। SDH मतलब होता है सबड्यूरल हिमोटोमा। ये भी एक हिमोटोमा ही है, बट ये इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, क्योंकि ये जो है सुचर लाइन होती है, जो मतलब कि ब्रेन और बोन्स के बीच में लाइन्स होती हैं, उनको क्रॉस नहीं कर पाता, तो ब्रेन सुरक्षित रहता है। बट फिर भी इसमें हिमोटोमा तो होता ही, मतलब कि ब्लीडिंग तो होती है। जो एपिड्यूरल हिमोटोमा है उससे कम होता है, उससे कम शो भी होता है। तो ये EDH इस तरह से देखा जाए, SDH इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मिड लाइन देखते हैं, बीच की जो लाइन होती है उसे बोलते हैं मिड लाइन। मिड लाइन कैसा है, मतलब कि इसमें लेफ्ट और राइट में कहीं पे कोई कंपैरिजन तो नहीं है, मतलब कंप्रेशन तो नहीं है, दो भाग हैं लेफ्ट राइट, बीच की लाइन सही है नहीं। अगर थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी हुई तो समझ में आता है कि भाई ब्रेन में इस लोब में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ पकड़ में आ जाती है। उसके अलावा वेंट्रिकल्स को देखा जाता है, वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मेलिटी आती है तो उस वजह से क्या होता है ब्रेन के अंदर प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ब्रेन की सेल्स डेड होने लगती हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि जो वेंट्रिकल है वो डार्क कलर में दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक कलर में, तो वो क्या होता है साइज़ में गड़बड़ी आ जाती है उसकी। वेंट्रिकल्स में कई बार क्या होता है कि ये लार्ज साइज में देखने को मिलते हैं, सिटी स्कैन कराए लेकिन बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई वहाँ पे हो सकता है कि पानी भर गया हो। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें ब्रेन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, पानी भर जाता है, बोलते हैं पानी भरा गया, तो वो उसमें दिख जाता है कि अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो समझ लो कि उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये है मेनिंजीज को भी देखा जा सकता है, मेनिंजीज में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, पायामेटर ड्यूरामेटर इनके बीच में जो CSF भरा होता है उसमें तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बोनी क्लेवरियम देखा जा सकता है कि बोन की जो व्हाइट स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं। कहीं कहीं पे फ्रैक्चर की वजह से कई बार चोट लगती है, आदमी गिरता है लेकिन फ्रैक्चर हो जाता है तो अंदर के अंदर धंस जाती है हड्डी, तो वो भी क्लियर कट पता चली जाती है। तो देखो ये क्या चीज़ जो मैं आपको बताई ये देखने से आपको पता चल जाएगी, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट लिख कर देगा पूरे एक पैराग्राफ बना के देता है कि भाई क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, उसमें पढ़ के आपको अच्छे से पता चलेगा। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो दूसरा बनाऊंगा कि पढ़ने से क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। तो देखो क्लियर सी बात है, सिटी स्कैन को हर कोई रीड नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे वीडियो और लेके आ सकूं जो कि आपके काम आएंगे, ठीक है। आप देख रहे थे ज्ञानी और द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।